बी रिच और स्टे पुअर। आप या तो अमीर बन जाइए या पुअर बने रहिए, ये सब कुछ सिर्फ आपके एक डिसीजन पे डिपेंड करता है। कोई पॉवर्टी में कोई वर्च्यू नहीं है, कोई भी अच्छी बात गरीबी में नहीं है, हर जगह सिर्फ परेशानी है। तो आप उस परेशानी को क्यों झेल रहे हो, जबकि आपके अंदर वो सारे गुण हैं, वो ईश्वर ने आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस से भरपूर भेजा है। आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, उस पर आपका फेथ नहीं है और आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो आपके अंदर है। यस माय डियर फ्रेंड, जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं। उनको भरोसा है कि हाँ उनके लिए वो उस लायक है, वो डिजर्व करते हैं उस वेल्थ को, वो डिजर्व करते हैं रिचनेस को, वो डिजर्व करते हैं लग्जूरियस लाइफ को। जब तक आप डिजर्व नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा कि ये आपके लिए है, आपके साथ जब आप बॉर्न हुए, यू वर बॉर्न रिच, ये पूरा एक बुक है जो बॉब प्रॉक्टर ने लिखी है, उसमें रियलाइज कराया है ह्यूमन को कि आप रिच ही पैदा हुए हो। अगर आपके पास है नहीं या ट्रिक नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, आप हो। सुनने में बड़ा हार्श लग रहा होगा, सुनने में बड़ा कमजोरी। देखो, जब हम किसी पे ब्लेम करते हैं ना, तो हम खुद को पावरफुल महसूस करते हैं, और जब हम खुद रियलाइज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, तो कहीं ना कहीं हम वीक फील करते हैं, इसीलिए हम फटाफट ब्लेम लगा देते हैं। नहीं, इस कंडीशन की वजह से शायद मैं गरीब हूँ, मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए गरीब हूँ, या मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखना, उन्होंने जीरो से शुरू किया है। और कहाँ से शुरू होती है? अमीरी की शुरुआत आपके दिमाग से शुरू होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से शुरू होती है। तो आपको कभी भी पॉवर्टी में वर्च्यू नहीं देखना है। आज सबसे पहला लेसन आप यही लीजिए, पॉवर्टी में कुछ भी अच्छा नहीं है। और जब हमको पता चल जाता है कि ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ रुकूं? जब ईश्वर ने वहां आपको बना के भेजा ही नहीं है, तो मैं क्यों चूज करूं? यू हैव द पावर टू चूज, आपके पास चुनने का पावर है। आप क्यों रिचनेस को नहीं चुन पा रहे? क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि हम डिजर्व ही नहीं करते, हम वहां जाते ही नहीं है, उन लोगों से मिलते ही नहीं है, क्योंकि अब वो बड़े लोग हैं। बड़े लोगों को बड़े लोग किसने बनाया? उनने खुद बनाया। आपको छोटा किसने बनाया? आपकी सोच ने बनाया। तो आप सोच को बदलिए, और आप एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिए, डू यू रियली वॉन्ट टू बिकम रिच? यस, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि 98% लोग सिर्फ विश रखते हैं। यस, केवल विश बनना चाहते हैं, कमिटेड नहीं रहते। ओनली 2% आर कमिटेड, और जो कमिटेड रहते हैं वो ऑलरेडी रिच बन जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं है, उनको सोचना बहुत मुश्किल काम लगता है। एक्चुअली ये वर्ल्ड का डिफिकल्ट काम है भी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला ही है कि थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क, दैट्स वाई वेरी फ्यू डू। तो आप खुद सोचिए कि सोचना इतना मुश्किल लगता है लोगों को कि वो सोचते ही नहीं कि उनके पास है क्या क्या नहीं। और ये ऐसा नहीं कि लोगों को ये नॉलेज नहीं मिलता है, लोगों को नॉलेज मिलता है। हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक है, सक्सेसफुल लोगों को तो हम सुनते ही नहीं है, ये हमारे ट्रेंड में ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जबकि होना चाहिए। पर चलो, कम से कम बुक्स तो हैं हमारे पास, ऑटोबायोग्राफीज तो हैं हमारे पास, ये इंटरनेट है हमारे पास, ये बहुत बड़े टूल हैं। आप इनको यूज़ कीजिए, और सिर्फ यूज़ करना मीन्स नॉलेज लेना बस, ये सफिशियंट बिल्कुल नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक आप अपने स्किल को नहीं पहचान पाओगे, और सबसे बड़ी बात, आप अपने इन्फिनिट सोर्स को ही नहीं पहचान पाओगे। अगर आप कहीं काम कर रहे हो
चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग? आपने कभी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा है? अगर नहीं पूछा है तो अभी मैं आपसे पूछती हूँ और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो। एक्चुअली आप रिच हो, बस उसके जो ब्लॉकेज है उनको रिमूव कीजिए, उसको फ्लो होने दीजिए। और आज के वीडियो का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आपको मैं रियलाइज कराऊं कि आपके पास इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस दोनों ही चीजें हैं। यू डिजर्व टू लिव द बेस्ट लाइफ, यू डिजर्व टू लिव द लग्जरी लाइफ। अगर वो कहीं है नहीं तो आपके दिमाग में नहीं है, और आज से वो सोचना शुरू कीजिए। जब आप उसको सोचोगे, फील करोगे, वैसे इंस्पायर्ड एक्शन लोगे तो वो अल्टीमेटली आपके पास आएगी ही आएगी, गारंटी। इसी वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं, और 98% लोग अपने बारे में सोचते ही नहीं है, रियलाइज ही नहीं करते, और उनको ये सब मम्बो जम्बो लगता है। कहाँ है इन्फिनिट वेल्थ, कहाँ पे है इन्फिनिट इंटेलिजेंट अबंडेंस, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, उन्होंने कभी प्रेयर नहीं की, उन्होंने कभी सुप्रीम पावर को अपने अंदर फील नहीं किया, और मैं तो बोलती हूँ उन्होंने कभी अपनी सांस को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी सांस को इम्पोर्टेंस दे रहा है, जीवित है वो, तो वो सुप्रीम पावर की वजह से जीवित है। उस सुप्रीम पावर की वजह से सारी गैलेक्सी अपनी जगह है, होल्ड है, यूनिवर्स बने हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है, सन अपनी लाइट हमको दे रहा है, जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको सर्वाइव के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी हमको दे रहा है, वो सुप्रीम पावर दे रहा है। हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इन्फिनिट अमाउंट में एनवायरनमेंट में है, बट हम उसको रियलाइज ही नहीं करते हैं। वैसे ही वही पावर है जो एक बीज से पेड़ बनाता है, वही पावर है जो सीजन बदलता है, वही पावर है जो हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। इनफैक्ट सभी चीजों का कारण वो सुप्रीम पावर है। अगर आप उसको रियलाइज नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, उसकी नहीं है। उसने आपको चारों एरिया, इनफैक्ट बहुत सारे एरिया जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, बहुत सारे जितने एस्पेक्ट आपकी लाइफ के हैं जो आपको मैक्सिमम रखने की कैपेसिटी आप रखते हो या होना चाहिए, वो सब आपके साथ ईश्वर ने भेजा है आपके साथ, बट आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे और यूज नहीं कर पा रहे। हम कितना कम परसेंटेज अपने ब्रेन का यूज करते हैं। अगर उसका थोड़ा भी अमाउंट डे बाय डे बढ़ाया जाए तो एट द एंड ऑफ द ईयर 365 आप प्रोग्रेस कर पाओगे। और मैं ये बता रही थी कि वो पावर जो है हर चीज के लिए जब जिम्मेदार है, आपको उस पावर ने सब कुछ दिया जो इस लिविंग बेस्ट लिविंग लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि कहीं ना कहीं चल के अंदर से फाइनेंशियल फ्रीडम की फीलिंग भी इंसान के पास होगी, हमारे इनर बीइंग में वो ऑलरेडी है। वी आर फ्री फ्रॉम वर्क, वी आर फ्री फ्रॉम फाइनेंस। सोल जब हमारे शरीर में आई तो वो फ्री थी, हमने अपने इमोशन से उसको कुछ लैक लिमिटेशंस में बांध रखा, तो वो लैक लिमिटेशंस की वजह से वो एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती। पैसा क्या है, रिचनेस क्या है, वेल्थ क्या है, ये एनर्जी है, और ईश्वर ने जब सब तरह की एनर्जी आपको दी है तो उसकी इस चीज से क्या दुश्मनी होगी कि उसने आपको वेल्थ की एनर्जी या पैसे की एनर्जी या रिचनेस की एनर्जी नहीं दी? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम बाकी सभी एरिया में रियलाइज करते हैं कि हमारे पास सब कुछ भरपूर है, हमारे सारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लव है, हैप्पीनेस है, जॉय है, एडवेंचर है, सब कुछ है। अगर हम कहीं सोचते हैं फाइनेंस, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है हाँ ये नहीं है, तो किसने सोचा? आप नहीं सोचा, और जब आप सोचोगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगी, अच्छे लोग आपके पास अट्रैक्ट नहीं होंगे, और ये सब चीजों की वजह से आप एक्शन भी वैसे अच्छे नहीं ले पाओगे, तो डेफिनेटली आप रिच नहीं बन सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, नेवर टॉक अबाउट इकोनॉमिक लैक
एंड लिमिटेशंस। कभी भी अगर आप रिच बनना चाहते हो तो कभी भी आप इकोनॉमी में लैक है, लिमिटेशन है, पैसा नहीं है, बहुत सारी लिमिटेशंस है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। गरीबी है, आपको गरीबी को देखना ही नहीं है, सब कुछ वही रहेगा, बट आपको उस गरीबी की जगह क्या देखना है, गॉड की रिचनेस देखना है, या गॉड ने उसको भी ये पावर दिया है कि वो भी रिच बन सकता है और हमको भी दिया है। हर बार आप जब भी पॉवर्टी को देखो तो उसको क्रॉस करो, ये पॉवर्टी नहीं है, ये उसके दिमाग की वजह से है, ये पॉवर्टी है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमारे सब तरफ केवल अबंडेंस है, आप इसको रियलाइज कीजिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूज योर मनी और स्पेंड योर मनी वाइसली, और बहुत जॉयसली उसको स्पेंड कीजिए। रियलाइज कीजिए ईश्वर ने आपको इन्फिनिट सप्लाई दी है मनी की। देखो जैसे हमारे बॉडी में हेल्दी रहने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारी लाइफ में फाइनेंस का या पैसे का फ्लो होना, आना और जाना बहुत जरूरी, उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी पैसे को होल्ड करके नहीं रखना है, सेविंग करना है, उसकी अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है कि मनी को कैसे यूज करते हैं, बट जब भी उसको स्पेंड करो फ्रीली जॉयसली स्पेंड करना है, ये रियलाइज करके कि मेरे लिए उसकी सप्लाई इन्फिनिट है। कभी भी मनी के लिए नेवर अंडरस्टिमेट एंड नेवर टॉक निगेटिव अबाउट मनी, कभी भी उसको अंडरस्टिमेट नहीं करो। जब हम अपनी लाइफ में रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, बिहेव अच्छा होना चाहिए, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी जो छोटे यूनिट्स है उसकी को भी अप्रिशिएट क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही पैसे की बात आती है तो उसको लगता है, ये अगर किसी ने किसी की इनकम पूछ ली तो उसको लगता है कि हाँ ये इनकम मेरी सिग्निफिकेंस की ही निशानी है, या मैं सिर्फ इतनी ही वर्थ रखता हूँ, और ये पूछना सही बात नहीं है। उसको हमने इतना हाइडिंग काइंड ऑफ सब्जेक्ट बना रखा है, जबकि नहीं होना चाहिए ये। वो हमारी, हम अगर कुछ कितनी इनकम करते हैं ये हमारी वर्थ डिसाइड नहीं करती। उस समय हम जो काम कर रहे होते हैं ना, वो काम की वो वर्थ है, हमारी वर्थ नहीं है, हमारी वर्थ तो इन्फिनिट है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी भी किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना है, वो उस काम की वैल्यू है, आपकी वैल्यू नहीं है। आप और दूसरा काम कीजिए, उसकी वैल्यू हाई होगी तो आपकी भी, आपकी जो रिचनेस की वैल्यू वो भी हाई होगी, आपकी इनकम भी हाई होगी। तो अपने आप को इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस का सोर्स समझिए, और जिस दिन आप ये काम करना शुरू करोगे उस दिन वो सब कुछ आपके पास होगा जो आप चाहते हो। और मनी को कभी क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, उसके बारे में कभी बुरा मत बोलिए, या कभी ऐसा नहीं बोलिए अगर आपको कम अमाउंट में पैसा मिला तो अरे तो कम है। नो, मनी इज एनर्जी। अगर आप छोटी चीज को अप्रिशिएट करोगे, वो नहीं समझता है कि ये 1 रुपए का नोट है या नोटों का बहुत बड़ा बंडल है, वो ये नहीं समझता, ये एनर्जी है। और जब आप एनर्जी को जब लेते हो बहुत रिस्पेक्टफुली लीजिए, थैंक यू बोल के लीजिए कि हाँ मैं ये वर्थ रखता हूँ। और कभी 1 रुपए या 2000 रुपए इनमें अंतर नहीं है, ये एनर्जी है। थोड़े भी पैसे आए तो भी थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड, आपको हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड बोलना है। जब भी पैसा रिसीव करो ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू, और जब भी स्पेंड करो तब भी उसको थैंक यू बोलो कि एटलीस्ट मेरे पास पैसा है कि मैं ये चीज ले सकता हूँ इससे, और इन्फिनिट सोर्स पे बिलीव करो कि वो कभी कम नहीं होगा। और लास्ट, नेवर डिपेंड अपॉन पीपल फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। खुद की खुशी के लिए, खुद की हेल्थ के लिए या खुद की वेल्थ के लिए कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, आप अपने लिए लिविंग के लिए क्या कर रहे हो। देखो, गॉड ने आपको भेजा है ताकि आप अपने साइड का कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, कुछ दे सको। तो आप रियलाइज कीजिए कि आपके पास क्या है, आप क्या दे सकते हो, और जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही करना है, आप आइडिया दे सकते हो, आप लोगों को
दुआएं दे सकते हो, ब्लेसिंग्स दे सकते हो, प्यार दे सकते हो। खुद को अपग्रेड कीजिए, खुद की गिफ्ट्स को पहचानिए। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है रिच बनने का। और जिस काम को आप करोगे उसमें अगर आपको जॉय फील हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम मैं लंबे टाइम तक कर सकता हूँ और बहुत खुश होके कर सकता हूँ, डेफिनेटली वही आपकी गिफ्ट है, वही आपको रिच बना सकता है। और आप कभी भी अपनी वेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने जॉय के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो, नहीं रहिए। खुद क्रिएट कीजिए, खुद, यस यू हैव द पावर। अपनी बाउंड्री डिसाइड कीजिए, अपना काम डिसाइड कीजिए, अपने स्किल्स डिसाइड कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। बी एक्शन ओरिएंटेड। जब तक आप काम नहीं करोगे, पसंद का काम नहीं करोगे, तब तक आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं डिजर्व करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, या आपके पास है तो आप ही दे दो। डू यू थिंक, डू यू डिजर्व दिस मनी? अगर कोई दे भी देगा ना, तो आपके पास 1 महीने से ज्यादा टिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो पैसा उनके पास ही जाता है जो उसको यूज करना जानते हैं, या जिसके पास ऑलरेडी उसकी नीड है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना। और यू हैव टू वर्थ इट। जब आप अपने आप को उसको डिजर्व करते हो, ऐसा महसूस करोगे, और वो तभी आएगा जब आप कुछ काम करोगे। अब वो काम मेंटली भी हो सकता है, बट क्या होता है जब हम मेंटली वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इनर बीइंग उस चीज को रियलाइज ही नहीं करती, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है हम देखते हैं कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि इस एयर से अचानक से पैसा आपके पास आ जाए, बट ये आ भी सकता है। मैजिक यही होते हैं, इसी वर्ल्ड में होते हैं, बट यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू डिजर्व इट, देन ओनली यू विल बिकम रिच। तो मैं लास्ट में बस यही समराइज करूंगी कि आप सच में रिच बनना चाहते हो तो उसके लिए कमिटेड रहिए, काम करना शुरू कीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए। यू शुड नेवर नेवर एवर थिंक अबाउट द पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड योर वर्क। जब आप इस चीज से निकल जाओगे तो आप काम करना शुरू करोगे, जो पसंद है वो करना। शुरुआत में हर कोई अच्छा नहीं होता, बट धीरे धीरे आप भी बहुत अच्छी उसमें बन जाओगे, एक्सपर्ट बनोगे, और डेफिनेटली यू विल डिजर्व द रिचनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। यस माय डियर फ्रेंड, हम ईश्वर के सबसे चहेते बच्चे हैं, हम सब कुछ डिजर्व करते हैं। यू नो, पहले मैं भी ऐसे ही थी। मैंने कभी अपने आप को फाइनेंस के लिए खुद को इंचार्ज ही नहीं समझा, या कभी मैं अपने हाथ में वो रखना ही नहीं चाहती थी। एक्चुअली मैं जानती ही नहीं थी कि ये होना चाहिए। जब तक हम किसी चीज के लिए टेक चार्ज नहीं करते ना, मतलब हम खुद उसके लिए चार्ज नहीं लेते ना, वो हमारी लाइफ में ग्रो नहीं करती है। तो जब मैंने खुद देखा कि नहीं, हमको देखो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, तो फेमिनाइन एनर्जी का यूज करना सीखो। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन मनी। जब मैंने वो करना शुरू किया तो मैं कभी अपने पर्स में बहुत ज्यादा ऐसे इंटेंशनली पैसा नहीं रखती थी, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा था कि हाँ कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है मुझे खुद रखने की जरूरत नहीं। बट मुझे लगा कि इसकी वजह से कहीं ऐसा नहीं है कि मैं एक स्टेबल कंडीशन तक ही रुकी हूँ, आगे नहीं जा पा रही हूँ। फिर मैंने उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, उस पर अटेंशन देना शुरू किया। आई ऑलवेज कीप इनफ अमाउंट ऑफ मनी इन माई पर्स। इनफैक्ट मैंने कुछ चेक्स लिख के खुद रखे हैं कि हाँ आई डिजर्व दिस मनी। और यकीन नहीं मानोगे, कभी उसके बाद से मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ऑलरेडी बढ़ने लगा, और कभी भी मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, या मैंने कभी कुछ लिया तो किसी और से बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जब आप खुद अपना चार्ज लेना शुरू करते हो, यस इट इज वेरी गुड कि आप, हाँ आपके साथ इतने अच्छे लोग हैं कि वो आपकी कमी पूरी करते हैं, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ये सब करने के साथ आपको खुद का भी इंचार्ज लेना चाहिए। आपको रिच बनने के लिए कॉन्फिडेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वेयर डू यू गेट दिस कॉन्फिडेंस? आप पहचान गए आपके अंदर ये स्किल है, आपने शुरुआत भी कर ली उसकी, आप सब कुछ समझ गए कि गॉड का इन्फिनिट इंटेलिजेंट मेरे साथ है, सब कुछ समझ गए। पर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपके पास?
कॉन्फिडेंस आएगा मेडिटेशन से, कॉन्फिडेंस आएगा सेल्फ टॉक से, कॉन्फिडेंस आएगा एक्शन लेने से, और फिर यही कॉन्फिडेंस आपको एक दिन रिच बनाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, आइडियाज आपके खुद के होंगे, किसी दूसरे के आइडिया से आप कभी रिच नहीं बन सकते। स्किल आपके होंगे, किसी दूसरे के स्किल से आप रिच नहीं बन सकते। थिंकिंग आपकी होगी, कोई आपकी जगह नहीं सोच सकता। ये सारे काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे, शुरुआत कहीं से भी कीजिए। बट यू डिजर्व द बेस्ट लाइफ, यू डिजर्व द रिच लाइफ। मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में। आई होप मैंने जितना भी सीखा, जो माइंडसेट के लिए सीखा या जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया, वो मैंने आपको सब कुछ बताया। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो आपको खुद ही उतरना है और खुद ही स्ट्रगल करना है, मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब हम इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो देयर इज नो स्ट्रगल। गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू, उसने आपके लिए सब कुछ कर रखा है, एवरीथिंग इज डन। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक यू रिच, एंड वी विल बी मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।